ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो जनवरी इनटेक जिसकी अब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज जो होगी जनवरी इनटेक में, ये गुड न्यूज ये क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे रह पाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे जो खासकर स्पाउस के साथ ही जाना चाहते थे, बट इसके कारण बहुत सा रश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स का कम होगा यूके में, और वो कम होने का बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स को जो यूके जाएंगे जनवरी इनटेक से, क्योंकि जनवरी इनटेक में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लोग नहीं आएंगे, तो उसका बेनिफिट है जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल होंगी, फ्रॉड्स और ज्यादा कम होंगे, वर्क परमिट्स के अंदर हो चाहे स्टडी वीजा में हो, किसी तरह की गलत चीजें आगे आगे कम होती जाएंगी, और यूके जो है एक स्टेबल कंट्री डिक्लेयर कर चुका है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि स्टडी वीजा में किसी तरह का भी कोई रिस्क आपको रहेगा। आप जाकर अपनी एजुकेशन लें, एजुकेशन के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लें, या उसके अगेंस्ट आपके पास चॉइस है कि आप टायर टू वीजा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो टायर टू वीजा है वो स्टूडेंट वीजा वाला बच्चा तब तक नहीं ले सकता जब तक उसका कोर्स खत्म नहीं होता। तो ऐसा उन्होंने रूल बनाया है, बड़ा ध्यान से समझे, इस रूल को ऐसे बनाया है कि आपका कोर्स खत्म हो गया, आप पास हो गए हो, तो आप अपना टायर टू वीजा ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को पहले स्टूडेंट से पीएसडब्ल्यू करना होगा और तभी टायर टू लेना होगा, तो बीच में उन्होंने आपको एक स्पेस दे दिया एंड के 2-3 महीने में कि आप डायरेक्ट टायर टू में चेंज कर सकते हो। तो जो बच्चे अपने स्पाउस को या डिपेंडेंट को बाद में बुलाना चाहते हैं तो वो भी उस विंडो का बेनिफिट ले सकेंगे, और प्लस जो अब जनवरी में रश कम होगा, एप्लीकेशन सीट्स ज्यादा अवेलेबल होंगी, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा अवेलेबल होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिलैक्सेशन भी उतने ही कम हुए। रिलैक्सेशन मतलब बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो पहले इंटरव्यू नहीं लेती थी, लेकिन अब उन्होंने इंटरव्यूज लेने शुरू किए हैं। कई पहले विदाउट आयल्स करते थे, अब उन्होंने विदाउट भी शुरू किया है, तो विदाउट आयल्स वाली जो ऑप्शंस हैं वो कम है, तो लिमिटेड है, उसके लिए आपको टीम से जल्दी कांटेक्ट करना होगा अगर आपका कैसा केस है। स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, स्पाउस कब तक पहुंच सकता है उसकी डिटेल्स ध्यान से समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको टीम से मिलना होगा, और अगर आपके प्रोफाइल्स अच्छे हैं देन ऑल्सो आई रिकमेंड कि मोस्टली ये जो यूनिवर्सिटीज हैं तकरीबन 15 अक्टूबर से पहले पहले ऑलमोस्ट सीट्स फिल हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर में वीजा आएंगे तभी बच्चे जनवरी में क्लासेस लगा सकेंगे, और दिसंबर का भी आधा मंथ आप सब जानते हैं क्रिसमस न्यू ईयर हॉलीडेज के कारण सही से नहीं चलता, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, एप्लीकेशंस डिले होती हैं, तो अगर आपने एडवांस एप्लीकेशन लगा रखी होंगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप टाइमली अपनी मंजिल पे पहुंच सकोगे। बाकी जो अपडेट्स हैं आगे भी चैनल के साथ साथ मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, अगर आप चाहते हैं कोई अपडेट मिस ना करें, चाहे वो यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कैनेडा का हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, आपको सारे पैसे देने वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर अप्लाई करें, हमारे ऑफिसेस गुजरात, न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, इन सब जगहों पर हैं, आप हमारी टीम से मिलके निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।